मैंने अब तक सिर्फ सुना था कि माइथोलॉजिकल शोज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, और अब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ क्योंकि आपके कॉस्ट्यूम्स बहुत हैवी होते हैं, ज्वेलरी बहुत सारी होती हैं, फिर लैंग्वेज जो है बहुत डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि आपको शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले तो किरदार के बारे में, मैं रानी समृद्धि का किरदार निभा रही हूँ जो वैष्णवी की माँ है। रानी है, दुनिया भर के सुख हैं इसके पास, लेकिन जो अपनी संतान का जो सुख होता है वो उसे नहीं मिल पा रहा है, बहुत अधीर है अपनी संतान को पाने के लिए। और विष्णु में, लक्ष्मी में बहुत बिलीव करती हैं, बहुत आस्था है, और कैसे उनके वरदान से इनको संतान प्राप्ति होती है। तो जो कहानी है हमारी वो एक छोटी बच्ची की जर्नी है, जो कैसे एक बच्ची वैष्णवी से जो माता रानी बनी। मैंने अब तक सिर्फ सुना था कि माइथोलॉजिकल शोज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, और अब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ क्योंकि आपके कॉस्ट्यूम्स बहुत हैवी होते हैं, ज्वेलरी बहुत सारी होती हैं, फिर लैंग्वेज जो है बहुत डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि आपको शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना होता है। और आप एज एन एक्टर कभी कभार ऐसा होता है कि आप उस मूड में शायद आपके वर्ड्स जो हैं करेक्ट आप ना ढूंढ पाएँ या ना मिले, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हम डे टू डे अभी फेस कर रहे हैं। बट आई एम श्योर विथ टाइम हम भी बहुत यूज्ड हो जाएंगे। और इन्जॉय तो मैं कर ही रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा किरदार है ये, और जिस तरीके से हम शूट कर रहे हैं, जो सेट बना है वो बहुत खूबसूरत है। तो यस, आई एम एन्जॉइंग। क्या लगा कि ये शो मुझे करना? जग जननी की माँ का किरदार, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा किरदार है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी टीवी पे नहीं मिल सकती थी। और या दैट वाज द रीज़न आई सेड यस। जग जननी माँ वैष्णो देवी, कहानी माता रानी की, आपके टीवी पे आएगा 30 सितंबर से, मंडे टू सैटरडे 9:30 PM ओनली ऑन स्टार भारत। डू वॉच इट। थैंक यू। हाई, दिस इज सोनल राजपुत्रा एंड कीप वॉचिंग टेली मसाला। थैंक यू।